तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही आईएमपी है और आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने किस कैटेगरी को कितना मतलब पेमेंट किया है अभी तक, और आप अपना कॉलेज भी देख सकते हो। ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो चलिए कोई भी एक ब्राउजर ओपन करते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसमें आपको सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। जी हाँ, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ से सर्च कर दोगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑफिशियल लिंक दिया गया है scholarship.up.nic.in, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आप यहाँ देख सकते हो कि इधर कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है डेस्कटॉप साइट। तो आपका अगर फोन डेस्कटॉप साइट पे नहीं है तो आप अपना फोन डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप साइट पे नहीं था, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो डेस्कटॉप साइट से हट गया। फिर हम उस पर क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप साइट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे ही हमने रिपोर्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने 2 पॉइंट आ रहे हैं, ऑल सेशंस रिपोर्ट्स और टाइम टेबल्स ऑफ सेशन 2017 और 18। तो आपको ऑल सेशंस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और आप यहां देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ईयर, मतलब आप किस ईयर का देखना चाहती हो। तो आपको सिंपली पता है 2019 और 20, तो हम नीचे करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। तो आप यहां देख सकते हो नीचे एकदम है सेशन 2019 और 20, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो देखिए, आपके सामने ये पेज ओपन हो गया और आप देख सकते हो सीरियल नंबर कैटेगरी, और आप यहाँ देख, तो अब यहाँ आप देख सकते हो आपके सामने ये शो हो गया। ठीक है, स्टेट पेमेंट समरी रिपोर्ट, तो देख सकते हो सीरियल नंबर, ओबीसी, यहाँ मतलब जितने भी कैटेगरी है, स्कॉलरशिप अमाउंट, फी अमाउंट, सब कुछ यहाँ दे दिया गया है टोटल। ठीक, तो अब आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे चेक कर सकते हो प्लस अपना कॉलेज, तो सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सब कुछ दिया गया है। ठीक है, जैसे कि जितने भी यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप सिंपल इस पे क्लिक कर लीजिए। तो एग्जांपल के लिए आगरा पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आगरा पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जितने भी कैटेगरी है यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है, इंटरमीडिएट एंड अदर देन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अगर आप बीटीसी करते होंगे तो आपका आएगा अदर देन इंटरमीडिएट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी ओपन हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही आपने ओपन किया तो आपने जिस कॉलेज पे या कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ आपका कॉलेज नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ओबीसी आपका, मान लीजिए एग्जांपल के लिए यही कॉलेज आ गया, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। तो अब आप कैसे जान सकते हो कि हमारे कॉलेज को कितना फीस दिया गया है प्लस कितना मिला है। ठीक, कितने स्टूडेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हो 3rd नंबर पर मतलब यहाँ स्टूडेंट की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए आप 74 हैं। ठीक है, कितना स्कॉलरशिप दिया गया है, तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप दिया गया है 2,37,360। ठीक, अब उसके बाद ये ऑप्शन आता है फी रिवर्समेंट अमाउंट, इसका मतलब होता है शुल्क प्रतिपूर्ति। ठीक है, शुल्क प्रतिपूर्ति मतलब कितना किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हो 3,52,200 दिया गया है, तो ये रहता है पूरा। उसके बाद
है, मतलब जिस कोर्स में आपने जितना फीस जमा किया है ये यहाँ रुपीस दिया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ 3-3 कॉलम में बांटा है, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी हो गया, फिर एसटी हो गया, फिर यहाँ एससी और फिर एसटी, फिर माइनॉरिटी, और भी इधर जनरल है, फिर टोटल यहाँ करके दिया है। तो आप जिस किसी कॉलेज से है आप सिंपल यहाँ से देख सकते हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट वाइज से आते हो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट्स ये आ रहा है कि क्या हमारा जो स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी कुछ भी काम नहीं चल रहा है, तो हो सकता है जो आपका 31 मार्च डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन 25 तारीख को दिया गया है रिपोर्टेड अपडेट, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।